दोस्तों अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जो जमीन है वो राम मंदिर के पक्ष में दी है, वहीं 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह देने की बात कही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश की जनता ने इसको एक्सेप्ट भी किया है, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पर एक बीजेपी के बड़े सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मैंने इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था लेकिन उनके बयान को नहीं सुनाया था। अब मैं आपको उनके खुद बयान को सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए उनके बयान को आगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार महाशय ने कहा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन महाशय के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि आखिर वो है कौन। दरअसल जो है गुजरात के भरी से आने वाले बीजेपी के सांसद जो है मनसुख बसावा ने यह बात कही है और मैं आपको बता दूं लगातार 6ठी बार भरूच सांसद चुने गए बसावा ने यह बड़ा खुलासा किया है। सुनिए आप उनके बयान को, आगे हम बात करते हैं। राम जन्मभूमि कटो जूनो मुद्दो होतो कितना वर्षो बीती गया, देश आजाद पण नतो थयो नतो, ए समयथी राम जन्मभूमि नो आंदोलन चालू तो कितना लोगो शहीद थया छे, कितना आंदोलनो कर्या छे, परंतु ये मुद्दों पर आपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होवाना कारणे आ सुप्रीम कोर्टे अपना तरफी जजमेंट आपवो पड़ी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो फैसला राम मंदिर का रास्ता साफ होने का जो अभी बना है, यानी कि उसका पूरा क्रेडिट उन्होंने अपनी सरकार को दे दिया है। वहीं आपको बता दूं कि बसावा ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला इसलिए दिया है क्योंकि केंद्र में अपनी यानी बीजेपी की सरकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। यानी कि साफ साफ उनकी बात का इशारा यह है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया है। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप भी सहमत नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ।